हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 3 से 15 के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपको मिलने वाला है। प्लीज़ पॉजिटिव रहें एंड रीडिंग के एंड में ना आपको जो इनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते पसंद करते उनके तरफ से कुछ लव मैसेजेस रहेगा, ताकि आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ सके उनके दिल के फीलिंग्स को इस बार। ओके सो अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। 5 of Swords, द फूल देख लेते हैं, 9 of Pentacles, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में है 8 of Cups। ओके, देखो मुझे यहाँ पर साफ दिख रही है कि कोई एक इंसान आपके लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दिनों से आपको चाह रहे थे, आपके बारे में तरह तरह के ख्याल बुन रहे थे, जस्ट आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। गाइस, आपको वो इंसान हो सकता है पसंद नहीं है, या फिर आप अभी तैयार नहीं हो प्यार के लिए, शादी के लिए, तो इसी वजह से हो सकता है आपने उनको उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया या फिर उतना ज़्यादा केयर नहीं किया। तो इसके वजह से मुझे दिख रही है कि कोई एक इंसान अभी मूव ऑन करने वाले हैं, अभी आपके बारे में सोचना छोड़ने वाले हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, इस इंसान का वाइब्स मुझे अचानक से आया यहाँ पर 8 of Cups के थ्रू, तो मैंने आपको बता दिया। बट ये इंसान आपको दिल से प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं। ये इंसान हो सकता है कि अभी अपने घर को छोड़कर किसी अन्य जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं फिजिकली, या फिर हो सकता है दिल से डिलीट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये दूर जाना फिजिकली भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर मेंटली भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट दिख रही है एक शिफ्टिंग। तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वगो कैप्रिकॉन है, वगो की एनर्जी अलग से है, एंड एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से दिख रही है मुझे। ओके, सो यस, देखो फर्स्ट ही मुझे जो नज़र आ रहा है कि अभी आप जिनके साथ डील कर रहे हो, अभी आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, आपके लाइफ में जो भी इंसान है, वो इंसान 3 से 15 तारीख के अंदर कुछ हद तक आपको परेशान करने वाले हैं। उनके कुछ बिहेवियर से हो सकता है, उनके कुछ बातचीत से हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज से हो सकता है, उनके कुछ काम से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इरीटेट फील हो, क्योंकि आप इस टाइम पर थोड़ा बहुत शांति की तलाश में रहोगे, नेचर को इंजॉय करने के बारे में सोचोगे, कहीं पर घूमने जाने के बारे में सोचोगे। तो ऐसे मोमेंट्स पर हो सकता है आपके जो पर्सन है, आप जिनको प्यार करते हो, वो इंसान आपके साथ जाना ना चाहे, उनका कोई काम पर जाए, या फिर आप जो चाहते हो उस चीज़ के अगेंस्ट में वो इंसान चले जाए, या फिर आप जैसा सोच रहे हो ठीक उसका उल्टा वो इंसान इस टाइम पर सोचे, आपको जवाब दे। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें यहाँ पर बन सकता है, दिख रही है, बट ये चीज़ 3 से 8 तारीख के अंदर ही बन पाएगा। 8 तारीख के बाद से चीज़ें नॉर्मल होने वाला है, बाकी 9 तारीख से चीज़ों में सुधार आती हुई दिख रही है। आपके लव लाइफ में जिनके साथ भी आपका झगड़ा चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, मनमुटाव था, वो चीज़ें धीरे धीरे सुधरने का एक चांसेस बन रही हैं, क्योंकि आप दोनों कहीं पर घूमने जाने वाले हो, वो चाहे डेट पे हो या फिर किसी और जगह पर हो। तो दिख रही है आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं, एंड नेचर से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट भी कर पाओगे। कुछ विशेस भी आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है 9 of Pentacles के थ्रू, एंड जो कहीं कहीं आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि द फूल का कार्ड 0 से स्टार्ट होता है, मतलब कि आपकी लव लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे होती हुई दिख रही है। आप घूमने जाकर या फिर नेचर से कनेक्ट करके कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना चाहोगे, कुछ नेगेटिविटीज़ जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ था, कुछ मेमोरीज़, कोई इंसान मुझे दिख रही है कि आप पास्ट की कुछ चीज़ों को भूलकर माफ़ करके आगे बढ़ने का एक मेंटेलिटी सेट करने वाले हो। आप अपने फीलिंग्स को इस टाइम पर किसी से भी इजहार नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, आप चीज़ों को अपने अंदर ही रखते हुए दिख रहे हो, एंड खुद से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो।
ओके, ये एक चीज़ मुझे दिख रही है 3 से 15 के लिए। बाकी यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है जिनके साथ आप अभी डील करोगे ना, वो इंसान भी आपको कुछ बताना चाहते हैं, मुझे दिख रही हैं उनके अंदर भी कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं मे बी जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं एंड उस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर भी करना चाहते हैं, बट सही मौका उनको नहीं मिल रहा था। तो 3 से 15 तारीख के अंदर उनको सही मौका मिलने वाला है एंड हो सकता है वो क्लैरिफिकेशन वो इस टाइम पर ही आपसे मांगे, इस चीज़ का एक पॉसिबिलिटी बन रही है। एंड देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं 3 से 15 तारीख के लिए अप्रैल महीने में। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। डेफिनेटली इस टाइम पर डिवाइन भी आपको यही बता रहे हैं कि नेगेटिविटी रिलीज़ करने का टाइम आ रहा है। ओके, सो आपको इस टाइम के अंदर अपने दिमाग से, अपने मन से नेगेटिव चीज़ों को जस्ट रिलीज़ करना है, नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेवी महसूस करवा रहा था बहुत टाइम से, आपके मन में एक भारीपन क्रिएट कर रहा था, मतलब कि आप जस्ट खुलकर अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, आप इस कार्ड को देख सकते हो। ओके, कुछ ना कुछ आपको रोक रहा था, आपको फ्रीली जीने नहीं दे रहा था। तो ऐसे अगर कुछ चीज़ें आपके मन में हैं तो इस टाइम पर आपको जस्ट उस चीज़ को बाहर निकल देना चाहिए, उस चीज़ के बारे में भूल जाना चाहिए। ओके, लक इज़ ऑन योर साइड। इस टाइम पर आप जो भी चाहोगे, आपका जो भी गोल होगा, टारगेट होगा, वो आपको प्राप्त करने में डिवाइन खुद हेल्प करेंगे। आपके कुछ विशेस इस टाइम पर डेफिनेटली फुलफिल होने की एक चांसेस मुझे दिख रही है। जो भी चाहते थे या फिर 3 से 15 आप जैसा बिताना चाहोगे, जैसा चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं वही चीज़ आपको मिलने वाला है। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लक आपके साइड में रहेंगे एंड शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। देख लेते हैं कि जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो हो सकता है बता नहीं पा रहे हैं, शायद बाद में बता दें। देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है, तुम्हें छूने का बहाना ढूंढते रहता हूँ, तुम्हें अपना बनाने का कोशिश करता रहता हूँ, पता नहीं तुम्हें ये सब कुछ दिखाई क्यों नहीं देता है। ओके, सो ये इंसान बहुत सारे एक्शंस लेते हैं, बहुत सारे कोशिश भी करते हैं आपको मनाने का, आपको सेटिस्फाइड करने का, आपको फुलफिल महसूस करवाने का, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आपके तरफ से जितना एक्सपेक्टेशंस ये रखते हैं उतना उनको मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि इनकी कोई भी कोशिश आप नहीं समझते हो, उनका प्यार आप ठीक से नहीं समझ पाते हो। ज़िंदगी 2 बार नहीं मिलती, तो अभी सोच कर फैसला लेना हमारे प्यार को लेकर। इस जन्म में हम साथ हैं, अगर सेकंड जन्म में मिल भी जाए तो क्या पता हम साथ ना हो। ओके, सो ये इंसान अभी आपको लेकर बेहद ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आपको लेकर परेशान भी है। हो सकता है 3 से 15 के अंदर भी ये इंसान बेहद ज़्यादा परेशान रहे। ये इंसान आपको यही समझाना चाहते हैं कि इस जन्म में हम दोनों एक साथ हैं तो क्यों ना इस पल को ही जी लिया जाए। अगले जन्म में इनको आप मिलोगे कि नहीं या फिर आपको वो मिलेंगे कि नहीं, इसका तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो यहाँ पर है, हमने ऐसी भी क्या खता कर दी या जो काबिले माफ़ी नहीं, तुमको देखा नहीं कई दिनों से, क्या इतनी काफ़ी नहीं। ओके, तो ये इंसान फिजिकली आपको देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको बेहद ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस। हो सकता है आप दोनों फिजिकली एक हो, एक जगह पर हो, बट फिर भी मन का डिस्टेंस क्रिएट हो रखा है, आप दोनों चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि फिज़िकली एक जगह पर नहीं हो, आपने इनके साथ डिस्टेंस क्रिएट करके रखा है या फिर दूर जा रहे हो, तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ये जो भी मैसेज आया है इनके तरफ से, ये जो कोई भी है आपको बेहद ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस। ओके, अगर आप पिका कार्ड्स रीडिंग देखना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, आपकी शादी कब होगी, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपका ट्रू लव कौन है, आपका सच्चा प्यार आपको कब मिलेगा, तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने के लिए आपको मेरे सेकंड चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसका नाम है ब्लू मून टैरोट। ओके, सो यस, यही है आपका रीडिंग। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।